तो इंतजार खत्म हुआ, नई वीडियो आ गई। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक मोटर दिखाई थी, उसको 5 घर से चलाना था। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर उसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो ये है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या था, सॉकेट बार बार जल जा रहे थे। जलने का रीजन ये था कि जो मोटर है वो एम्पियर ज्यादा ले रही थी। तो मैंने वो पहली वीडियो बनाने से पहले ही उनको उनका सॉल्यूशन बता दिया था कि आप ये सब लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर उसका नेक्स्ट पार्ट बनाइए। तो ये है उसका नेक्स्ट पार्ट। मैंने सॉल्यूशन क्या बताया था वो ये है। तो जो स्विच बोर्ड में जो सॉकेट आते हैं वो 16 एम्पियर 20 एम्पियर तक के आते हैं, मगर उससे बड़े जो सॉकेट होते हैं वो एसी में यूज होते हैं। इस तरीके के सॉकेट होते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया में भी यूज होते हैं। 32 एम्पियर 25 एम्पियर इस तरीके के सॉकेट आते हैं, प्लग आते हैं, टॉप आते हैं। तो इस तरीके का वहां पे लगाना था क्योंकि वो एम्पियर ज्यादा ले रहा था। तो मैंने इस चीज का इनको सजेशन दिया था, जो हमारे ये सर हैं। ये है सॉकेट लगाने का बॉक्स, जो एसी सॉकेट लगाने का जो बॉक्स होता है वो ये है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी सॉकेट यूज होते हैं। तो इसमें 6 की जगह है, तो इस तरीके का सॉकेट लगाएंगे। चीनी पत्थर का भी है जो कि जलेगा नहीं। ये है 32 एम्पियर का, यानी कि 32 एम्पियर का है, तो ये नहीं जलेगा। तो आप देख सकते हो ये वहाँ का इलेक्ट्रीशियन है, इन्होंने उनके थ्रू ही कराया है। तो ये बॉक्स लग चुका है, अब इसमें लगाएंगे सॉकेट। मगर यहाँ पे जो वायर्स हैं, वायर्स जो कॉपर की वायर है, इसमें मैंने बोला था कि जो स्लीव होता है जो हम मोटर में यूज़ करते हैं उसका ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे 5 घर की सप्लाई आ रही है। कोई भी आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी वायर का एक भी बाल जो होता है ना वो आपस में टच नहीं होने चाहिए मेटल के साथ। तो देख सकते हो मेरे कहने पे इन्होंने स्लीव भी लगवाया है, और ये देख सकते हो सॉकेट लगा रहे हैं। तो काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने जो पहली वीडियो आई थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने यही आंसर दिया था कि इस टाइप का सॉकेट लगाओगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और कुछ लोगों ने नए नए जुगाड़ भी बताए थे कि आप फ्यूज लगा लो फिर भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप जो टॉप होता है उसको भी लगाओगे, 3 पिन जो टॉप होता है उसका जो अर्थिंग का पॉइंट होता है उसमें लगाइए, फेस न्यूट्रल को डायरेक्ट कीजिए। इस तरीके से भी काफ़ी सारे लोगों ने बताया था। तो उन सभी का धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो ये है सोल्यूशन, वो सब जो आपने बताया था सॉकेट का अर्थिंग का लगा वो होता है जुगाड़, मगर ये है परमानेंट। के घर में ये प्रॉब्लम था, उन सर का फीडबैक भी आया, तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। मैं पी रमेश नायक बात कर रहा हूँ। हम लोग रहते हैं अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट हिंदूपुर में। हम लोग यहाँ नियर बेंगलोर, हम लोग 100 किलोमीटर का दूरी पे है। हमें अभी हमारा ये है ना स्टार्टर है, एम्प से ना पहले 20 एम्प्स आ रहा था, मतलब 20 एम्प्स मतलब 18 एम्प्स दिखा रहा था। वोल्टेज है ना 180 190 थोड़ा लो वोल्टेज आ रहा था। उसके बाद हमारा इससे पहले हम लोग अगला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खलसा इलेक्ट्रिकल सर ने हम लोग को एक सजेशन बताया, वो सजेशन में हम लोग बेंगलुरु जाके जो ऐसा 32 एम्प्स वाला डालने से प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा बोला। तो हमारा टोटली 5 घर है, 5 घर को 5 सॉकेट है, जिनका जिनका उनका पूरा अलग है। एक मोटर है हमारा सबमर्सिबल मोटर। सो हम लोग क्या किया, हम लोग को पानी चढ़ाना है बोला, तो सबका सबको अलग दिखाया। हम लोग डाले हैं 30 एम्प्स का प्लग और मेटल प्लग हम लोग डाले हैं। हम लोग को मुझे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में कंप्लेंट दिया था, मगर कोई मेरा सजेशन रिजॉल्व नहीं किया। खलसा इलेक्ट्रिकल सर ने हमारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। प्लीज थैंक यू सर, सल्यूट।